हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए दो बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आए हैं अभी सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट्स हैं अठारह महीने के डी एरियस पर भी बहुत बड़ी अपडेट है साथ ही साथ जो है पाँच परसेंट महँगाई भत्ते पर सरकार की मुहर लग चुकी है सीधा सीधा दो लाख से ज़्यादा का फायदा होने वाला है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए ये वीडियो सभी कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिए तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिखाई दे रही है आप सभी को पता है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो 18 महीने का डीए है वो पेंडिंग है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2019 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या इकतीस लाख थी जिनके डीए का भुगतान 18 महीने से कोविड के चलते पेंडिंग है अगर ताज़ा खबरों की माने तो केंद्र सरकार इन कर्मचारियों को अठारह महीने का पेंडिंग डी का को इसी महीने क्लियर कर सकती है अगर 18 महीने का पेंडिंग डीए का भुगतान किया गया तो कर्मचारियों को एक बार में दो लाख से भी ज़्यादा का फ़ायदा मिल सकता है ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी रुपए से लेकर सैंतीस हजार पांच सौ चौवन रुपए तक है वहीं लेवल तेरह जो सेवन सीपीसी के बेसिक स्केल का जिसमें बेसिक एक लाख तेईस हजार से दो लाख पंद्रह हजार रुपए तक है और लेवल चौदह के लिए पैसा जोड़ा जाए तो एक कर्मचारियों को डी का एरियर करीब डेढ़ लाख से दो लाख तक भुगतान किया जा सकता है दूसरी बड़ी अपडेट जो है मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जहाँ पर करीब सात लाख कर्मचारियों को इस महीने सरकार बड़ा तोहफ़ा दे सकती है केंद्र सरकार इकतीस लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को जल्द ही नया तोहफ़ा दे सकती है इसके अलावा आप बात करें मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए तो वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है केंद्र की सरकार के साथ अब अन्य राज्यों द्वारा सातवें वेतन मान के तहत महंगाई भत्ते का भुगतान मिलने वाला है प्रदेश के सात लाख सरकारी कर्मचारियों का इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा खबरों की माने तो प्रदेश सरकार पाँच प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है इससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बारह महंगाई भत्ता मिलता है और केंद्रीय कर्मचारियों को अट्ठाईस तो अगर पाँच की बढ़ोतरी होती है तो काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अच्छा लगा तो लाइक करेगा शेयर सभी के साथ करेगा ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब